दोस्तों वैसे मैंने अमूल फ्रेश क्रीम से बनाया, अगर आप चाहो तो नॉन डेयरी क्रीम से भी बना सकते हो, उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, वहाँ देख सकते हो। चलिए बनाते हैं। क्रीम बनाने के लिए यूज करूंगी अमूल फ्रेश क्रीम, आप दूसरे ब्रांड की भी क्रीम ले सकते हो। फ्रेंड्स मैंने इसे 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, मैं इसे निकालूंगी एक कंटेनर में। मैंने कंटेनर को भी 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रेंड्स क्रीम बनाने के लिए आप सबसे पहले एक चीज का बिल्कुल ध्यान दें कि जो भी चीज आप यूज कर रहे हो वो सब कुछ ठंडी होनी चाहिए। हम इसमें जो गढ़ी क्रीम है उसे यूज करेंगे, जो इसके अंदर लिक्विड है उसे निकाल लेंगे एक बाउल में। देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इसमें से सारे लिक्विड क्रीम निकाल लिए हैं। आप इस लिक्विड क्रीम को आप सब्जी में यूज कर सकते हो ग्रेवी बनाने में। अब हम यूज करेंगे आइस का, मैंने इसे कंटेनर में जमा लिया था। फ्रेंड्स आइस का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि क्रीम को व्हिप करते हुए क्रीम का टेम्परेचर ठंडा ही रहे और जिससे हमारी क्रीम जल्दी से व्हिप हो जाए। व्हिप क्रीम बनाने के लिए फ्रेंड्स आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक बीटर, हैंड ब्लेंडर या फिर स्पून की हेल्प से भी इसे कर सकते हो, पर इनमें टाइम ज्यादा लगता है इसलिए मैं कोई इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करके दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में हमें स्लो स्पीड में करना है फ्रेंड्स। पंद्रह मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, क्रीम भी पहले से और गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें मिला लेते हैं चीनी पाउडर, अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप उसको भी डाल सकते हो। मैं इसमें चीनी पाउडर डाल रही हूँ, मैंने चीनी को अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस लिया था, उसके बाद छानने के बाद मैंने इसे तैयार कर लिया है। मैं चीनी पाउडर 1 कप डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी डाल सकते हो। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि पहले शुगर पाउडर को मिला लें फिर इलेक्ट्रिक बीटर को स्टार्ट करें। बीस मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्रीम को उठाकर देखेंगे, अगर क्रीम नहीं गिर रही तो मींस क्रीम बन चुकी होगी। फ्रेंड्स क्रीम नहीं गिर रही है मींस हमारी क्रीम बन चुकी है। मुझे मैक्सिमम 25 मिनट लगे बनाने में क्योंकि मैंने इसे किचन में बनाया, अगर आप इसे एसी रूम में बना रहे हो तो आपका टाइम और कम लगेगा। अब हम इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं जब हम केक बनाए तो, ताकि ये मेल्ट ना हो। अब हम बना लेते हैं ऑरेंज कलर, उसके लिए मैंने लिया ऑरेंज रेड कलर की डब्बी, ये किसी भी ग्रोसरी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इसका थोड़ा सा कलर डाल लेते हैं, स्टार्टिंग में हम कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसे मिला लेते हैं हम। थोड़ा सा कलर और डाल लेते हैं, काफ़ी लाइट कलर बना है। बिल्कुल बढ़िया कलर बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो। आपको मैं क्लोजअप करके भी दिखा देती हूँ। अब हम इसे निकालेंगे बाउल में, देखने में काफ़ी अच्छा लगने लग रहा है ऑरेंज कलर। अब हम बना लेंगे ग्रीन कलर। ग्रीन व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए मैं लूँगी ग्रीन कलर। दोस्तों ये भी किसी भी ग्रोसरी की शॉप से ले सकते हो, ये भी आसानी से मिल जाता है मार्केट में। थोड़ा सा इसे डाल लेते हैं। थोड़ा सा येलो कलर इसलिए लग रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने अभी ऑरेंज कलर की व्हिप्ड क्रीम बनाई थी, उसका कलर इसमें आया हुआ है। ग्रीन कलर काफ़ी लाइट लग रहा है, थोड़ा सा और कलर डाल लेते हैं हम। डार्क ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा लगता है, इसे हल्का सा डार्क ही बनाएंगे हम। दोस्तों बनने के बाद व्हिप क्रीम को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में जरूर रख दीजिए, अदरवाइज बनाते हुए बहुत दिक्कत आएगी आपको, हल्की सी पिघलने लग जाएगी। इसे इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में जरूर रखें। अब निकाल लेते हैं बाउल में।
देख सकते हो फ्रेंड्स ग्रीन कलर भी कितना ज़्यादा अच्छा लगने लग रहा है। इस तरह से हमारा तीनों कलर बनके रेडी हो चुके हैं। व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन तीनों ही कितने अच्छे लगने लग रहे हैं। दोस्तों बनने के बाद एक बात का जरूर ध्यान दें कि इसको तो कुछ देर के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें, जिससे ये स्टे हो जाएगी और केक बनाने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप इसे फ्रिज में नहीं रख रहे तो ये थोड़ी देर बाद पिघल जाएगी और केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इस बात का इसलिए ज़रूर ध्यान दें, इसे फ्रिज में ज़रूर रखें। अब बना लेते हैं पाइपिंग बैग। उसके लिए मैंने लिया दूध की थैली। इसको मैंने उल्टा करके इसे एक तरफ से कट कर लिया था, दूसरी तरफ से भी कट कर लेते हैं। इस तरफ से छोटा कट करेंगे हम। इसमें अब डालेंगे नोजल्स, ये भी ग्रोसरी की शॉप से मिल जाती है आसानी से। इस तरह से डाल लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे व्हिप क्रीम। इस तरह की थैली से काफ़ी आसानी से पाइपिंग बैग बन जाती है, इसमें फटने का डर भी नहीं रहता। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पाइपिंग बैग बन चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साथ में दी हुई घंटी है उसे भी जोर दबा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।